हाउ आर यू डूइंग। मैं हूँ प्रियंका एंड वेलकम टू स्लेइंग रनवे। आज हम आ गए हैं अनदर प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो में, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट काइंड ऑफ वीडियो है, बिकॉज आई लव टू डू प्रोडक्ट रिव्यूज यू कैन से। एंड ये मुझे खुद के लिए भी हेल्पफुल होता है, दूसरों के लिए भी हेल्पफुल होता है, एंड हेल्पफुल काइंड ऑफ वीडियोज बनाना बहुत ही रिलेटेबल भी लगता है, अच्छा भी लगता है। दैट्स वाई हियर आई एम विद ए प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो, वो भी Faces Canada का प्रोडक्ट। एंड हियर वी हैव ए आईलाइनर ऑफ Faces Canada, इसके बारे में हम देखने ही वाले हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत कुछ मिस करिए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब बटन पे हिट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए स्लिंग रनवे को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो भी, तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड सबके साथ शेयर भी कर देना, कॉमेंट भी कर देना, एंड दैट्स ऑल। तो हम आज का वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। Here we have our product. ये है आईलाइनर जो कि Faces Canada की तरफ से, जिसका नाम है मैग्नेट आईज। एंड ये जो प्रोडक्ट है ना, आई मस्ट से कि बहुत ही छोटू सा चीनी मिनी सा बॉटल आता है इसका। ओके इट्स ओके, लाइनर के लिए और कितना लगता है, छोटा सा एक बॉटल आता है। एंड ये रेड कलर का बॉटल है एंड इसके ऊपर इन्होंने लिखा है ये ड्रामेटिक ब्लैक फिनिश देता है। सो ब्लैक फिनिश है, बहुत ही अच्छी बात है। स्मच एंड वाटर रेजिस्टेंट है, स्मच प्रूफ भी है, वाटर प्रूफ भी है कह रहे हैं। एंड फेदर लाइट है, बहुत ही उसका जो यू कैन से वॉन्ट है वो बहुत 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 ही लाइट है। जितना प्रिसाइज आप लाइनर ड्रॉ करना चाहते हो इससे, उतना प्रिसाइज लाइनर ये आपको ड्रॉ करके देगा। पिन पॉइंट प्रिसिशन है एंड यहाँ पे इन्होंने कुछ इनके डिटेल्स देके रखे हैं। इसका MRP है 249 रुपीज, जो कि MRP के हिसाब से कॉस्टली है इतने से प्रोडक्ट के लिए, बट ये आपको ऑलवेज ऑन डिस्काउंट मिल जाता है अमेजोन पे, नाइका पे, पर्पल पे आई थिंक सो। एंड आपको सारे जो लिंक्स होंगे इसके परचेज लिंक्स वो होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड डिस्काउंटेड प्राइजेस आपको ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। मेन थिंग इसके अंदर कितना क्वान्टिटी दिया है ये इन्होंने कहीं पर भी मैंशन नहीं किया है, ना प्रोडक्ट के ऊपर, ना वेबसाइट पे, न डिस्क्रिप्शन में, कहीं पे भी इन्होंने मेंशन नहीं किया कि इसका क्वांटिटी क्या है। ओके इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ पढ़ के बातें करने से बेटर है आई थिंक सो हम इसका डायरेक्टली टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट कर लेते हैं, खोलते हैं इसे। सबसे पहले ये एक नॉर्मल से कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आया है और क्या चाहिए, ठीक है ना, लाइनर ही तो ले रहे। खुल जा सिर्फ, ये हमारी छोटी सी बॉटल आती है जो इतने साइज की है, इतने से साइज की हमारी बॉटल आती है यहाँ पे लाइनर की। एंड इसके ऊपर कुछ लिखा है, इसके ऊपर इसका कोड लिखा है, इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा है, इट इज 9/20 मतलब सितंबर 2020 से लेके फरवरी 2023। वाह ये बहुत ही अच्छी बात है। एक्चुअली बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके कार्डबोर्ड पैकेजिंग पे मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट लिखी होती है लेकिन प्रोडक्ट पे लिखी नहीं रहती। एंड वैसे भी हम ये कौन सा संभाल के रखते हैं, इसको तो हमने फेंक ही देना है, तो हमें याद भी नहीं रहता है, फिर बाद में प्रॉब्लम भी हो जाती है, फिर याद भी नहीं रहता है, प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट यूज करोगे क्या, नॉट गुड। नो दैट्स वाई इट इज अ वेरी वेरी गुड पॉइंट कि इन्होंने इसके ऊपर एक्सपायरी डेट भी लिखी है एंड MRP सॉरी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखी है। एंड इट सेज इट इज अ मैग्नेट आईज, पता नहीं ऐसा नाम क्यों दे दिया, आई डोंट नो। ओके तो हम यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जो है ओपन कर लेते हैं एंड दिस इज द प्रोडक्ट। वाओ इसका बहुत ही छोटू सा टिप है, एकदम फाइन सा टिप है, जो लैक्मे वाला काजल आता है छोटा सा बॉटल वाला, वैसा एकदम सा टिप है, एकदम बहुत ही थिन सा टिप है, ठीक है। हम इसका देख लेते हैं कैसे है। देखा आपने, बहुत ही जेट ब्लैक कलर है इसका, आई मस्ट से इसे हम अभी आंखों पे भी लगा के देखने वाले हैं। और इसका वाटर टेस्ट हमने आई थिंक करना चाहिए, सूखने में देखते हैं इसको कितने टाइम लग रहा है। ये वाले सूख गए, ये जो मोटा से लगाए ये नहीं सूखा अभी तक, लेकिन ये जो है सूख गए, मतलब बोलते ही बोलते सूख गए। इसके ऊपर लिखा होगा ना कितना देर में ये सूखता है, बट आई थिंक 4-5 सेकेंड, मैं अभी बोल ही रही हूँ आपके साथ तब तक ये सूख भी गया, और मुंह सूख गया है ये वाला, जो ये मोटा सा लगा है ना तो सबसे पहले वो सूखा नहीं अभी तक, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रोडक्ट है और मैंने एक ही साथ लगा दिया। यहाँ पे मेरे पास ये डैम ब्यूटी ब्लेंडर है, कुछ होता है क्या इसको, देख रहे हो, स्मज नहीं हो रहा है,
कुछ भी नहीं हुआ। उप्स, गीला था। यहाँ पे देखते स्मच तो नहीं हो रहा है। अब इसका पानी का टेस्ट करना चाहिए हमें। रुको मैं पानी लेके आया। यहाँ पे मैंने पानी डाला है, ओके, एंड इसके ऊपर मैं डाल के देख रही हूँ। नथिंग, देख रहे हो? पूरा पानी से धो भी लोगे ना तो ये लाइनर कहीं नहीं जाने वाला है। आप मतलब कितना भी रो कुछ नहीं होने वाला है। वाह यार, ग्रेट। मतलब पानी लगाने के बाद भी मैं ऐसे कर रही हूँ इसको तो इसको कुछ नहीं हो रहा है। वाह, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। यू नो ये जो पॉइंट है ना, मुझे मेबिलिन का जेल आई लाइनर जो था वो याद आ गया बिल्कुल। मेबिलिन का जेल आई लाइनर भी कुछ ऐसे ही था कि उसके ऊपर भी मैंने ये वाटर टेस्ट करके देखा था। वो भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन वो जेल आई लाइनर है। सब किसी हर किसी को जेल आई लाइनर लगाना पसंद। यहाँ पे मैंने ले लिया है हमारा फेसेस कैनेडा का आई लाइनर एंड मैं इसे अपनी आंखों पे लगा के देखने वाली हूँ। एक्सेस जो है मैंने उतार लिया ब्रश के ऊपर से और इधर परफेक्ट है ना ये लाइनर। दूसरी आंख पे भी लगा के देख लेते हैं। वो वाली आंख को मैंने ओवरलाइन किया था, लेकिन ये देख रहे हो ये मैंने एक सिंगल लाइन ड्रॉ की है। बहुत ही प्रिसाइज है और एकदम ऑन पॉइंट जो लाइन है वो हमारे इससे मिली है। अभी हम इसको मोटा करेंगे जरा, लाइक द सेकेंड वन। देखे अभी इसका छोटू सा बेबी सा विंग बनाऊंगी मैं इसका। परफेक्ट ना? यू आई एम डन विद द आई लाइनर एंड आई मस्ट से कि ये जो प्रोडक्ट है ये मस्ट 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 बाय प्रोडक्ट है। आप देख रहे हो जो सूख भी गया है, ये वाटर प्रूफ भी है, स्मच प्रूफ भी है, और क्या चाहिए। एक परफेक्ट लाइनर की यही तो निशानी है। अभी मैं इसे पूरे दिन चलाने वाली हूँ। अगर मुझे ये अच्छा नहीं लगता, अगर ये स्मच हो जाता है, अगर कुछ भी हो जाता है, तो वीडियो के एंड में मैं उसे बता दूंगी आपको कि ये नहीं लेना है आपको। इसलिए वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो अभी तक के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये प्रोडक्ट एकदम लाजवाब है, फाड़ू है, ढांसू है और इसे हमें बाय कर लेना चाहिए। सो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा। तो यही था हमारा आज का वीडियो। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट कीप स्लिंग एंड बाय बाय। लाइक से शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करो यार, फटाक से।